हेलो, इस वीडियो के अंदर हम दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट 1958 को समझने की कोशिश करेंगे। इस एक्ट का जितने से जितना मेजर पार्ट कवर हो पाए हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, लेकिन ये एक्ट को हम इस वीडियो के अंदर पूरा नहीं कवर पाएंगे, तो हम इसको 2 से 3 वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि सेक्शन 14 तक इस वीडियो के अंदर पूरा हो जाए, क्योंकि 14 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और अपने आप में ही बहुत बड़ा सेक्शन है, तो इस कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में वहाँ तक हो जाए। अब देखिए, जो दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट 1958 है, ये लाया क्यों गया था? ये इसलिए लाया गया था क्योंकि पार्टीशन के बाद बहुत सारे लोग दिल्ली में शिफ्ट हुए थे और वो एज अ टेनेंट दिल्ली के अंदर रह रहे थे। तो अब वो दिल्ली के अंदर जब रह रहे थे तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी अपने लैंडलॉर्ड्स की वजह से। उनके जो लैंडलॉर्ड्स थे वो उनके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करवा रहे थे अपने टेनेंट्स को। तो उनको उन प्रॉब्लम्स से बचाने के लिए एक टेनेंट फ्रेंडली एक्ट बनाया गया, जिसका नाम रखा गया दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट 1958, जिसके अंदर बहुत से ऐसे प्रोविजंस डाले गए जिसकी वजह से जो टेनेंट है उसको अपना घर, जिसके अंदर जो भी प्रीमिसेस थी जिसके अंदर वो रह रहा था, उसको वो खाली नहीं करनी पड़ती थी। इससे जो टेनेंट्स थे उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। लेकिन साथ ही साथ ये एक्ट जो था वो हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं था, हर एक टेनेंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं था। वो सब इस एक्ट के अंदर बताया गया कि ये कहाँ पे एप्लीकेबल होगा। इस एक्ट के अंदर ये बताया गया कि स्टैंडर्ड रेंट क्या होगा, कि आपको स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा जो है लैंडलॉर्ड चार्ज नहीं कर सकता, जितना स्टैंडर्ड रेंट रखा गया है उतना ही वो रेंट लेगा। कैसे, किस कंडीशंस के अंदर लैंडलॉर्ड जो है वो अपने टेनेंट से वो प्रीमिसेस खाली करवा सकता है, और कहीं कहीं वो जो लैंडलॉर्ड है वो उस प्रोविजंस का मिसयूज तो नहीं कर रहा, तो उस मिसयूज से बचाने के लिए भी इस एक्ट के अंदर बताया गया कि कैसे उस टेनेंट को उन प्रोविजन से बचाया जा सकता है। तो पहले इसके अंदर प्रिलिमिनरी बातें बताई गई हैं, कुछ डेफिनेशंस बताई गई हैं, वो सारी डेफिनेशन समझना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले हम सेक्शन 3 को समझेंगे, जिसके अंदर ये बताया गया है कि ये एक्ट कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके अंदर बताया गया कि सबसे पहले तो ये जो एक्ट है ये कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, उन प्रीमिसेस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा जो उनसी प्रीमिसेस गवर्नमेंट से बिलोंग करेंगी। तो जितनी भी गवर्नमेंट प्रीमिसेस होगी उसके ऊपर ये वाला एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद बताया गया कि टू एनी टेनेंसी और अदर लाइक रिलेशनशिप क्रिएटेड बाय ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट, या फिर कोई और ऐसा रिलेशनशिप जो टेनेंसी का था या फिर कोई ग्रांट हुआ था, वो ग्रांट किसने किया था, अगर गवर्नमेंट ने किया था तो वहां पे भी ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो बेसिकली यूज होती है, टू एनी प्रीमिसेस वेदर रेजिडेंट और नॉट, कि कोई भी प्रीमिसेस चाहे वो रेजिडेंट है या नहीं है, लेकिन हुज मंथली रेंट एक्सीड्स 3,500 रुपीज, कि जिस प्रीमिसेस का रेंट चाहे वो रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो या कोई भी प्रॉपर्टी हो, कोई भी प्रीमिसेस हो, अगर उसका रेंट 3,500 रुपीज से ऊपर जाएगा तो उसके ऊपर ये वाला एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, उसके ऊपर दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट 1958 एप्लीकेबल नहीं होगा। और चौथी बात बताई गई कि टू एनी प्रीमिसेस कंस्ट्रक्टेड ऑन और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सच कंस्ट्रक्शन, कि कोई भी प्रीमिसेस जो दिल्ली रेंट कंट्रोल अमेंडमेंट एक्ट 1988 के बाद बनाई गई और उसको बनाने के जब बनाया गया उसके कंस्ट्रक्शन के 10 साल के पीरियड के अंदर अंदर तक उस प्रॉपर्टी पे ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये हमारा सेक्शन 3 है कि ये जो एक्ट है दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट है, ये किस किस जगह पे एप्लीकेबल नहीं होगा। इस एक्ट के अंदर टोटल 8 चैप्टर्स दिए गए हैं, जिसके अंदर 57 सेक्शंस हैं, तो हमें वो सारे सेक्शंस कवर करने हैं। हालांकि सारे के सारे सेक्शन इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, बेसिकली मेन इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो है सेक्शन 9, 13, 14 और सेक्शन 19 बहुत इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ जो सेक्शन 25 है जहाँ पे प्रोसीजर बता रखा है कि कैसे इसके अंदर केसेस की प्रोसीडिंग्स चलेंगी, ये सारे सेक्शंस जो है बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं। इसके बाद आता है ये हमारे चैप्टर 1 के अंदर गया था, सेक्शन जो 3 था चैप्टर 1 के अंदर बताया गया था। फिर चैप्टर 2 आता है प्रोविजंस रिगार्डिंग रेंट, कि क्या क्या प्रोविजंस है रेंट के रिगार्डिंग, जिसके अंदर हमें बताया गया कि स्टैंडर्ड रेंट होता क्या है, स्टैंडर्ड रेंट हमें समझाया गया कि स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है और कैसे कोई टेनेंट जो कोई लैंडलॉर्ड जो है वो
जो रेंट है उसको बढ़ा सकता है, वो सारी चीजें हमें इस चैप्टर के अंदर बताई गई हैं। सबसे पहले बताया गया है सेक्शन 4 के अंदर, रेंट इन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड रेंट नॉट रिकवरेबल, कि भाई जो रेंट अगर लैंडलॉर्ड स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा मांगेगा वो रिकवरेबल नहीं होगा, वो उसको नहीं मिलेगा। एक्सेप्ट वेयर रेंट इज लाइबल टू अ पीरियोडिकल इंक्रीज बाय वर्च्यू ऑफ एन एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1939। भाई इस चीज को छोड़ दिया जाए कि अगर टेनेंट और लैंडलॉर्ड किसी एग्रीमेंट में घुसे थे और उस एग्रीमेंट के हिसाब से कोई रेंट के अंदर इंक्रीज होना था, और वो जो एग्रीमेंट था वो कब हुआ था, फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1939 से पहले हुआ था, अगर उस चीज को छोड़ दिया जाए, उस एग्रीमेंट को छोड़ दिया जाए, उसके अलावा नो टेनेंट शेल नॉट विथस्टैंडिंग एनी एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रे बी लाइबल टू पे टू हिज लैंडलॉर्ड फॉर द ऑक्यूपेंट ऑक्यूपेशन ऑफ एनी प्रीमिसेस एनी अमाउंट इन एक्सेस ऑफ द स्टैंडर्ड रेंट। तो उस टेनेंट को अपने स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा अपने लैंडलॉर्ड को रेंट देने की जरूरत नहीं है, अनलेस सच अमाउंट इज अ लॉफुल इंक्रीज ऑफ द स्टैंडर्ड रेंट। जब तक कि वो जो रेंट एक्सेस में मांगा जा रहा है वो रेंट जो है लॉफुल इंक्रीज के कारण ना मांगा जा रहा हो। लॉफुल इंक्रीज कैसे होता है वो इसके प्रोविजंस में दिया गया है, इसी एक्ट के, दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट के ही प्रोविजंस में बताया गया है कि कैसे इंक्रीज होता है रेंट के अंदर। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 एनी एग्रीमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ रेंट इन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड रेंट शेल बी कॉन्स्टिट्यूट एज इफ वर एन एग्रीमेंट फॉर एन पेमेंट ऑफ स्टैंडर्ड रेंट एनली। अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट किया गया जिसके अंदर अपने टेनेंट से बेसिक वो स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा रेंट मांगा गया तो उसको मान लिया जाएगा कि वो एग्रीमेंट सिर्फ स्टैंडर्ड रेंट मांगने के लिए ही बना है। अब आता है अनलॉफुल चार्जेस नॉट टू बी क्लेम्ड और रिसीव, कि अगर कोई भी अनलॉफुल चार्जेस होते हैं वो अनलॉफुल चार्जेस रिसीव नहीं होंगे या उनके लिए क्लेम नहीं डाला जा सकता। ऐसा कौन से सेक्शन में बताया गया, सेक्शन 5 के अंदर बताया गया है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट नो पर्सन शेल क्लेम और रिसीव एनी रेंट इन एक्सेस ऑफ द स्टैंडर्ड रेंट, कि कोई भी पर्सन स्टैंडर्ड रेंट के अलावा कोई भी रेंट अपने टेनेंट से नहीं लेगा, नॉट विथस्टैंडिंग एनी एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रे। फिर इसका सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, नो पर्सन शेल इन कंसिडरेशन ऑफ ग्रांट रिन्यूअल और कॉन्टिन्यूंस ऑफ अ टेनेंसी और सब टेनेंसी ऑफ एनी प्रीमिसेस क्लेम और रिसीव द पेमेंट ऑफ एनी सम एज प्रीमियम और अ पगड़ी और अ क्लेम और रिसीव एनी कंसिडरेशन वट सो एवर इन कैश और काइंड इन एडिशन टू द रेंट, कि कोई भी पर्सन रेंट के अलावा कोई भी ये फालतू का अमाउंट नहीं लेगा, प्रीमियम नहीं लेगा या पगड़ी का अमाउंट नहीं लेगा या फिर कोई भी क्लेम नहीं लेगा या रिसीव एनी कंसिडरेशन वट सो एवर, या कोई भी कंसिडरेशन हो, चाहे वो कंसिडरेशन कैश के अंदर हो या ना हो, कोई भी कंसिडरेशन रेंट के अलावा नहीं लेगा। कब नहीं लेगा, जब वो उस टेनेंट को रिन्यू कर रहा है, उस टेनेंसी को रिन्यू कर रहा है या कंटिन्यूएंसी के लिए, कि भाई अब आपका ये पीरियड खत्म हो गया अभी आप कंटिन्यू करना है तो अब आप मुझे प्रीमियम दे दो, तो ऐसा प्रीमियम नहीं लिया जाएगा। दूसरा बताया गया एक्सेप्ट विद द प्रीवियस परमिशन ऑफ कंट्रोलर, लेकिन वो कब लिया जा सकता है, जब लैंडलॉर्ड जो है वो किसकी परमिशन ले, कंट्रोलर की परमिशन ले। क्लेम्स और रिसीव द पेमेंट ऑफ एनी सम एक्सीडिंग 1 month रेंट ऑफ सच प्रीमिसेस एज रेंट इन एडवांस, की वो 1 महीने से ज्यादा का अमाउंट ले किसकी परमिशन से, कंट्रोलर के लिए, और उसको रेंट इन एडवांस बोला जाएगा। फिर सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, इट शेल नॉट बी लॉफुल फॉर द टेनेंट और एनी अदर पर्सन एक्टिंग और परपोर्टिंग टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द टेनेंट और सब टेनेंट टू क्लेम और रिसीव एनी पेमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ द रिलिंक्विशमेंट ट्रांसफर और असाइनमेंट ऑफ हिज टेनेंसी और सब टेनेंसी एज अ केस में बी ऑफ एनी प्रीमिसेस। इसके अंदर ये भी मना किया गया है कि जो टेनेंट है या टेनेंट के बिहाफ पे कोई पर्सन है, जब वो उस प्रॉपर्टी को रिलिंक्विश करेगा, मतलब कि छोड़ेगा या फिर किसी को असाइन करेगा या फिर ट्रांसफर करेगा, तो इस चीज को करने के लिए वो अपने लैंडलॉर्ड से कोई अमाउंट लेगा, इस चीज के लिए मना किया गया इस सबसेक्शन 3 के अंदर सेक्शन 5 के। नथिंग इन दिस सेक्शन शेल अप्लाई टू एनी पेमेंट मेड इन परसुएंस ऑफ एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बिफोर फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1939। लेकिन ये जो सारी बातें की जा रही है, अगर इस 1939 फर्स्ट जनवरी से पहले अगर कोई आपने कॉन्ट्रैक्ट किया और उसके अंदर अगर कोई भी चीज है तो उसके ऊपर ये वाले जो प्रोविजंस है वो अप्लाई नहीं होंगे। टू एनी पेमेंट मेड अंडर एन एग्रीमेंट बाई एनी पर्सन टू अ लैंडलॉर्ड फॉर द पर्पज ऑफ फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल और पार्ट ऑफ एनी प्रीमिसेस ऑफ द लैंड बिलोंगिंग टू और टेकन ऑन लीज बाय द लैंडलॉर्ड। फिर आता है सब सेक्शन 6, जिसके अंदर बेसिकली समझाया गया है कि स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है।
स्टैंडर्ड रेंट समझने के लिए हमने पीरियड को दो डिवीजन के अंदर बांटा है। पहला पीरियड हमने बांटा है जून 1944 से पहले का, और एक दूसरा पीरियड बताया गया जून 1944 के बाद का। तो जून 1944 से पहले अगर हम देखें तो स्टैंडर्ड रेंट को कैसे बताना है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन टू, स्टैंडर्ड रेंट इन रिलेशन टू एनी प्रीमिसेस मींस कि कैसे बताया जाएगा कि स्टैंडर्ड रेंट क्या है इन द केस ऑफ रेजिडेंशियल प्रीमिसेस। और हमने प्रीमिसेस को भी दो तरीके से बांटा है, एक रेजिडेंशियल प्रीमिसेस है और एक अदर देन रेजिडेंशियल प्रीमिसेस है। और पीरियड को भी दो पीरियड में बांटा है, 1944 से पहले का, जून 1944 से पहले का, और जून 1944 से बाद का पीरियड। अब सबसे पहले जून 1944 से पहले का पीरियड, जून 1944 से पहले का पीरियड, और प्रॉपर्टी कौन सी है, रेजिडेंशियल प्रीमिसेस है। देयर सच प्रीमिसेस हैव बीन लेट आउट एट एनी टाइम बिफोर द सेकेंड डे ऑफ जून 1944 की, अगर वो प्रॉपर्टी लेट आउट की गई है किस पीरियड से पहले, सेकेंड जून 1944 से पहले। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि 1939 से पहले का पीरियड नहीं चलेगा, 1939 के बाद का ही पीरियड आएगा। इसके अंदर क्या बोला है, कैसे हमें पता लगाने की स्टैंडर्ड रेंट क्या है, अगर इफ द बेसिक रेंट ऑफ सच प्रीमिसेस पर एनम डज नॉट एक्सीड 600 रुपीज, कि अगर बेसिक रेंट जो है उस प्रीमिसेस का 600 रुपये को एक्सीड नहीं कर रहा, तो जो भी बेसिक रेंट लिया जा रहा है उसी को क्या मान लेंगे, स्टैंडर्ड रेंट मान लेंगे। तो उस स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा लैंडलॉर्ड अपने टेनेंट से चार्ज नहीं करेगा। और अगर इफ द बेसिक रेंट ऑफ सच प्रीमिसेस पर एनम एक्सीड 600 रुपीज, अगर बेसिक रेंट 600 रुपये से ज्यादा होता है उस प्रीमिसेस का, द बेसिक रेंट टुगेदर विद 10% ऑफ सच बेसिक रेंट, तो स्टैंडर्ड रेंट किसको मान लिया जाएगा, उस बेसिक रेंट को प्लस उसके अंदर 10% जोड़ दिया जाए। अगर मान लीजिए बेसिक रेंट 650 रुपये था, तो उस 650 के अंदर उस 650 रुपये का 10% जोड़ लिया जाएगा, मतलब कि 650 प्लस 65 रुपीज जो है वो क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड रेंट बन जाएगा, अगर जो रेंट था वो 600 रुपीज से ज्यादा का था। अब वेयर सच प्रीमिसेस हैव बीन लेट आउट इन एनी टाइम ऑन और आफ्टर द सेकेंड डे ऑफ जून 1944 की, अगर उस प्रीमिसेस को रेंट पे दिया गया सेकेंड जून 1944 के बाद, और किस पर्पस के लिए दिया गया, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दिया गया। इन एनी केस वेयर द रेंट ऑफ सच प्रीमिसेस हैज बीन फिक्स्ड अंडर दिल्ली एंड अजमेर मेड़वारा रेंट कंट्रोल एक्ट और दिल्ली एंड अजमेर रेंट कंट्रोल एक्ट, कि भाई अगर उनका जो रेंट है वो इस प्रीमिसेस के अंदर आती है और उनका रेंट जो है इन दो एक्ट के हिसाब से फिक्स किया गया, दिल्ली एंड अजमेर मेड़वारा रेंट कंट्रोल एक्ट या फिर दिल्ली एंड अजमेर रेंट कंट्रोल एक्ट, तो उस केस के अंदर क्या होगा हमारा स्टैंडर्ड रेंट। पहला, इफ सच रेंट पर एनम डज नॉट एक्सीड 1200 रुपीज, द रेंट सो फिक्स, कि अगर वो जो रेंट है वो 1200 रुपीज को एक्सीड नहीं कर रहा है, जो बेसिक रेंट है वो 1200 रुपीज को एक्सीड नहीं कर रहा, तो जो भी रेंट फिक्स किया गया है उसी को हम स्टैंडर्ड रेंट मान लेंगे। और अगर इफ सच रेंट पर एनम एक्सीड 1200 रुपीज, द रेंट सो फिक्स टूगेदर विद 10% ऑफ सच रेंट, कि अगर वो रेंट जो है 1200 रुपये से एक्सीड कर रहा है बेसिक रेंट, तो उस बेसिक रेंट के अंदर 10% जोड़ दिया जाएगा और उसको हम स्टैंडर्ड रेंट मानेंगे। और इन एनी अदर केस, एनी अदर केस मतलब कि जहां पे जो प्रीमिसेस थी वो दिल्ली एंड अजमेर मेरवार रेंट कंट्रोल एक्ट और दिल्ली एंड अजमेर रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से नहीं थी, तो उस केस के अंदर द रेंट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 10% पर एनम, कि भाई कैसे कैलकुलेट होगा, कि हम 10% मानेंगे किसका, ऑफ द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो भी उस प्रीमिसेस को बनाने में जो भी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आई, एंड द मार्केट प्राइस ऑफ द लैंड, जो भी उस जिस भी लैंड के ऊपर प्रीमिसेस बनी थी उसकी जो भी मार्केट वैल्यू थी, उन दोनों को जोड़ दिया जाएगा, कि जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन थी और जो उस लैंड की मार्केट वैल्यू थी ऑन द डेट में डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन, और किस दिन उसकी जो मार्केट वैल्यू थी लैंड की जिस दिन उस कंस्ट्रक्शन को शुरू किया गया था, तो उन दोनों को जोड़ के उसका 10% निकाला जाएगा और उसको क्या माना जाएगा, स्टैंडर्ड रेंट माना जाएगा। ये हो गया जब प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज हुई। इन केस द प्रीमिसेस अदर देन रेजिडेंशियल प्रीमिसेस, कि भाई अब जो जो प्रॉपर्टी थी उसको किसी और पर्पस के लिए यूज किया गया, रेजिडेंशियल प्रीमिसेस के लिए यूज नहीं किया गया। विद द प्रीमिसेस हैव बीन लेट आउट एट एनी टाइम बिफोर सेकेंड, अब यहाँ पे भी दो पीरियड के अंदर डिवाइड किया, सेकेंड जून 1944 से पहले और सेकेंड जून 1944 के बाद। द बेसिक रेंट ऑफ सच प्रीमिसेस टुगेदर विद 10% ऑफ सच बेसिक रेंट, तो उस केस के अंदर क्या माना जाएगा स्टैंडर्ड रेंट, जो भी बेसिक रेंट चार्ज किया जा रहा है उसके अंदर 10% जोड़ दीजिए उस बेसिक रेंट का, तो हमें स्टैंडर्ड रेंट मिल जाएगा।
provided that where the rent is so calculated exceeds 1200 rupees per annum, this clause shall be effect as if for the word 10% the word 15% had been substituted. कि भाई जहां पे rent जो है वो 1200 रुपए से ऊपर इकट्ठा किया जाएगा इस केस के अंदर, तो वहां पे 10% की जगह पे 15% जोड़ा जाएगा उसी बेसिक रेंट का. अगर मान लीजिए 1200 रुपए से कम रेंट था तो उसके अंदर जो भी रेंट था बेसिक रेंट था उसके अंदर 10% ऐड कर दिया जाएगा. अगर वो प्रॉपर्टी किस चीज के लिए यूज हो रही है अदर देन रेजिडेंशियल प्रीमिसेस के लिए यूज हो रही है और 2 जून 1944 से पहले यूज हो रही है, और अगर 1200 रुपए से ऊपर रेंट था तो उसके अंदर उस बेसिक रेंट के अंदर 15% जोड़ दिया जाएगा, और वो जोड़ने के बाद हमें स्टैंडर्ड रेंट मिल जाएगा. 15% किसका जोड़ा जाएगा, उस बेसिक रेंट का जोड़ा जाएगा. उसके बाद अब हम आते हैं 2 जून 1944 से बाद के पीरियड के अंदर. In any case where the rent of such premises has been fixed under the Delhi and Ajmer Merwar Rent Control Act and or the Delhi and Ajmer Rent Control Act, इन दोनों एक्ट के अंदर अगर उनका रेंट फिक्स होता है तो उस केस में कैसे होगा. If such rent per annum does not exceed 1200 rupees, the rents are fixed. कि भाई अगर वो 1200 रुपए से एक्सीड नहीं किया तो जितना भी रेंट था उसी को हम, जितना भी बेसिक रेंट था उसी को हम स्टैंडर्ड रेंट मान लेंगे. If such rent per annum exceeds 1200 rupees, then rents are fixed together with 15% of such rent. कि अगर वो 1200 रुपए से एक्सीड कर रहा है रेंट तो 1200 रुपए से जितना एक्सीड कर रहा है मतलब जितना भी वो बेसिक रेंट है उसके अंदर उसका 15% जोड़ दिया जाएगा और उसको हम स्टैंडर्ड रेंट मान लेंगे. और इन एनी अदर केस कि भाई अगर इन दोनों के अंदर नहीं आया दिल्ली अजमेर मेरवा रेंट कंट्रोल एक्ट और दिल्ली एंड अजमेर रेंट कंट्रोल एक्ट, इन एनी अदर केस द रेंट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 10% जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया था वैसे यहाँ पे कैलकुलेट करें कि रेंट को क्या मानेंगे, 10% किसका, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जितना भी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आया था, और साथ में किसको जोड़ देंगे, जो भी उस प्रीमिसिस जिस भी लैंड के ऊपर वो प्रीमिसिस बनी थी उसकी जो भी मार्केट वैल्यू थी किस दिन जिस दिन वो कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी, उन दोनों चीज को जोड़ के उसका 10% निकाला जाएगा और स्टैंडर्ड रेंट माना जाएगा. फिर सेक्शन 6 का सबसेक्शन 2 जिसके अंदर क्या बताया गया, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, ये जो हमने सारी चीजें समझी, इसके अलावा इन एनी केस ऑफ एनी प्रीमिसेस वेदर रेजिडेंशियल और नॉट कंस्ट्रक्टेड ऑन और आफ्टर 2nd डे ऑफ 1 जून 1951 बट बिफोर 9th डे ऑफ जून 1955, इस पीरियड के बीच में द एनुअल रेंट कैलकुलेटेड विद रेफरेंस टू द रेंट एट विच द प्रीमिसेस वर लेट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 1958, तो इस केस के अंदर ऐसे कैलकुलेट होगा. और इफ दे वर नॉट सो लेट, और अगर उसको लेट नहीं किया गया भाई कैसे कैलकुलेट होगा, जो भी मार्च के महीने में जितना भी रेंट लिया गया उसको मान लिया जाएगा, और अगर उसको लेट नहीं किया गया तो विद रेफरेंस टू रेंट एज दे वर लास्ट लेट आउट, जिस भी अमाउंट पे उसको लास्ट लेट आउट किया गया था शैल बी सो डीम्ड टू बी द स्टैंडर्ड रेंट ऑफ द पीरियड, तो उसको मान लिया जाएगा कि ये स्टैंडर्ड रेंट है फॉर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ सच प्रीमिसेस, 7 साल तक के लिए उसी को मान लिया जाएगा. फिर आता है सेक्शन 6A, यहाँ पे रिवीजन ऑफ रेंट के बारे में बताया गया कि भाई एक बार जो रेंट फिक्स कर दिया अगर उस रेंट को चेंज करना है तो कैसे चेंज होगा और कितना चेंज होगा और कितने टाइम में चेंज होगा. नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट द स्टैंडर्ड रेंट और वेयर नो स्टैंडर्ड रेंट इज फिक्स्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रीमिसेस द रेंट एग्रीड अपॉन बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट मे बी इंक्रीज बाय 10% इन एवरी 3 ईयर्स, कि कैसे कितना अमाउंट बढ़ सकता है, 10% अमाउंट बढ़ेगा अपने स्टैंडर्ड रेंट से, और कितने पीरियड के अंदर बढ़ेगा, 3 साल के पीरियड में बढ़ेगा, 3 साल के पीरियड में एक बार ही आप 10% रेंट बढ़वा सकते हैं. फिर आता है सेक्शन 7, लॉफुल इंक्रीज ऑफ स्टैंडर्ड रेंट इन सर्टेन केसेस एंड रिकवरी ऑफ अदर चार्जेस. क्या बोल रहा है कि लॉफुल इंक्रीज ऑफ स्टैंडर्ड रेंट, कि जो स्टैंडर्ड रेंट है उसको लॉफुल इंक्रीज कराना है कुछ सर्टेन केसेस के अंदर, एंड रिकवरी ऑफ अदर चार्जेस, भाई अगर और कोई चार्जेस उस प्रीमिसेस के ऊपर लग रहे हैं लैंडलॉर्ड के तो उनको कैसे रिकवर करना है वो सेक्शन के अंदर बताया गया. सबसे पहले क्या बोलता है, वेयर अ लैंडलॉर्ड हैज एट एनी टाइम बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के चालू होने से पहले अगर लैंडलॉर्ड ने विद रिटर्न और विदाउट द अप्रूवल ऑफ द टेनेंट और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट विद द रिटर्न अप्रूवल ऑफ द टेनेंट, इस एक्ट के शुरू होने से पहले बिना टेनेंट की अप्रूवल लिए या फिर इस एक्ट के शुरू होने के बाद और टेनेंट की अप्रूवल लेने के बाद आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट विद रिटर्न अप्रूवल ऑफ द टेनेंट और ऑफ द कंट्रोलर
इनकर्ड एक्सपेंडिचर फॉर एनी इम्प्रूवमेंट, लैंडलॉर्ड जो है वो कोई खर्चा करता है किस चीज के लिए, उस प्रीमिसिस की इम्प्रूवमेंट के लिए, एडिशन और स्ट्रक्चरल अल्टरेशन इन द प्रीमिसिस, या तो कोई एडिशन करता है उस प्रीमिसिस के अंदर, या इम्प्रूवमेंट करता है, या फिर स्ट्रक्चरल अल्टरेशन करता है, ये कोई चीज बदलता है, जैसे भाई एक कमरा था उसको उसने दो में कन्वर्ट कर दिया, या कोई भी अल्टरेशन करता है उस प्रीमिसिस के ऊपर। नॉट बीइंग एक्सपेंडिचर ऑन डेकोरेशन और टेंटेबल रिपेयर्स नेसेसरी फॉर यूजुअल फॉर सच प्रीमिसिस, लेकिन वो वाले एक्सपेंडिचर नहीं जो यूजुअल रिपेयर्स के अंदर आ जाएंगे। नॉट बीइंग एक्सपेंडिचर ऑन, ये हो गया फिर, एंड द कॉस्ट ऑफ दैट इंप्रूवमेंट एडिशन और अल्टरेशन हैज नॉट बीन टेकन इन अकाउंट इन डिटरमाइन द रेंट ऑफ द प्रीमिसेस, द लैंडलॉर्ड में लॉफुली इंक्रीज द स्टैंडर्ड रेंट पर ईयर बाई अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ सच कॉस्ट। तो उस कॉस्ट के 10% से ज्यादा जो है जो लैंडलॉर्ड है वो उस प्रॉपर्टी का रेंट नहीं बढ़ाएगा, जितना भी उसने उसके अल्टरेशन में लगाया है जो भी चीज करी, उसके 10% से ज्यादा जो है एनुअल रेंट के अंदर जो लैंडलॉर्ड है वो उसका रेंट नहीं बढ़ाएगा। और फिर दूसरी बात बता रहा है, वेयर अ लैंडलॉर्ड पेज इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रीमिसेस एनी चार्ज फॉर द इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कंज्यूम्ड इन द प्रीमिसेस, कि जहां पे भी लैंडलॉर्ड जो है उस प्रीमिसेस के कोई चार्जेस पे कर रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहा है या वाटर के लिए पे कर रहा है इन द प्रीमिसेस, और एनी अदर चार्ज लेविड बाय लोकल अथॉरिटी हैविंग ज्यूरिसडिक्शन इन द एरिया व्हिच इज ऑर्डिनरी पेबल बाय द टेनेंट, ऐसे कोई भी खर्चे जो कि टेनेंट को पे करने थे लेकिन वो किसने पे किए, लैंडलॉर्ड ने पी की है, ही में रिकवर फ्रॉम द टेनेंट द अमाउंट सो पेड बाय हिम, तो लैंडलॉर्ड जो है उस अमाउंट को रिकवर कर सकता है अपने टेनेंट से, बट द लैंडलॉर्ड शेल नॉट रिकवर फ्रॉम द टेनेंट वेदर बाय मीन्स ऑफ एन इंक्रीज इन रेंट, लेकिन वो उस अमाउंट को ऐसे नहीं इंक्रीज करेगा, ऐसे नहीं रिकवर करेगा कि अपने रेंट को बढ़ा दे, और अदरवाइज द अमाउंट फॉर एनी टैक्स ऑन बिल्डिंग और लैंड इंपोज इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रीमिसेस ऑक्यूपाइड बाय द टेनेंट, कि वो उसको ऐसे नहीं करेगा कि भाई इसके ऊपर टैक्स लगा दिया या फिर इसका रेंट इंक्रीज कर दिया, वो उस अमाउंट को रिकवर करेगा जो भी उसने पे किया है, प्रोवाइडेड नथिंग इन द सब्सिक्वेंशियल इफेक्ट द लायबिलिटी ऑफ एनी टेनेंट अंडर एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बिफोर 1 जनवरी 1952, लेकिन उससे पहले का अगर कोई एग्रीमेंट है 1 जनवरी 1952 से उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा ये। फिर आता है सेक्शन 8, जहां पे नोटिस दिया जाता है कि हम आपका रेंट इंक्रीज कर रहे हैं, कि लैंडलॉर्ड को नोटिस देना होगा अपने टेनेंट को कि आपका रेंट इंक्रीज किया जा रहा है, वेदर द लैंडलॉर्ड विशेस टू इंक्रीज द रेंट ऑफ एनी प्रीमिसेस ही शैल गिव द टेनेंट नोटिस ऑफ हिज इंटेंशन टू मेक द इंक्रीज, जहां पे भी उसकी इच्छा होगी लैंडलॉर्ड की जब वो अपने उसका प्रॉपर्टी का रेंट बढ़ाना जाएगा तो वहां पे उसको अपने टेनेंट को नोटिस देना पड़ेगा, एंड इन सो फार सच इंक्रीज इज लॉफुल अंडर दिस एक्ट, और वो जो इंक्रीज हुआ है वो लॉफुल होना चाहिए इस एक्ट के हिसाब से, इट शैल बी ड्यू एंड रिकवरेबल ऑन रिस्पेक्ट ऑफ पीरियड फॉर टेनेंसी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच द नोटिस गिवन, और वो जो इंक्रीज है उसके लिए जो अमाउंट कलेक्ट करना है वो लैंडलॉर्ड इस नोटिस के 30 दिन के बाद से कलेक्ट करेगा, कि ये जो इंक्रीज वाला रेंट है वो इस नोटिस के 30 दिन से बाद से चालू होगा। एवरी नोटिस अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी राइटिंग एंड साइंड और बाय बिहाफ ऑफ लैंडलॉर्ड एंड गिवन इन मैनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 106 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की, ये जो नोटिस दिया जाएगा वो किस हिसाब से दिया जाएगा, सेक्शन 106 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हिसाब से दिया जाएगा, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कब और एप्लीकेबल होगा, जब रेंट की वैल्यू जो है 3500 से ऊपर होगी तो ये वाला एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, वहां पे कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल होगा लीज वाले केस के अंदर। कंट्रोलर टू फिक्स स्टैंडर्ड रेंट, इसकी एप्लीकेशन जाएगी कि जब दोनों में से कोई भी पार्टी, चाहे वो लैंडलॉर्ड हो चाहे वो टेनेंट हो, वो कंट्रोलर से कहेगी कि भाई हमारा रेंट फिक्स किया जाए, एक सेक्शन 9 की एप्लीकेशन जाएगी, 13 की जाएगी, 14 की जाएगी, इन या 19 की जाएगी, तो इनकी एप्लीकेशंस जाती है कंट्रोलर को, कि जो भी रिलीफ मांगना है इनके अंदर रिलीफ मांगा जाता है, सबकी एप्लीकेशन एक जैसी होती है लेकिन जो रिलीफ मांगा जाता है उस चारों केसेस के अंदर अलग अलग माना जाता है, जैसे सेक्शन 9 के अंदर क्या रिलीफ मांगा जाएगा कि हमारा रेंट फिक्स किया जाए, द कंट्रोलर शेल ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू हिम इन दिस बिहाफ आइदर बाय द लैंडलॉर्ड और द टेनेंट इन द प्रिस्क्राइब मैनर फिक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रीमिसेस, कि वो कंट्रोलर को बोला जाएगा, चाहे वो दोनों में से कोई भी बोल सकता है, टेनेंट भी बोल सकता है, लैंडलॉर्ड भी बोल सकता है, कि हमारी प्रीमिसेस का रेंट फिक्स किया जाए, आप इस चीज के लिए बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड रेंट फिक्स किया जाए जो हमने सेक्शन 6 के अंदर पढ़ा है, या फिर हम सेक्शन 7 के अंदर कि भाई रेंट को इंक्रीज किया जाए लॉफुल तरीके से, लॉफुल इंक्रीज जो हमने सेक्शन 7 के अंदर अभी ऊपर पढ़ा था। In fixing the standard rent of any premises of lawful increase, therefore, the controller shall fix the amount which appears to him as reasonable, having regard to the provision of section 6 and 7 and the circumstances of the case. तो जैसा भी controller को ठीक लगेगा, section 6 and 7 को follow करते हुए वो increase करेगा या फिर fix करेगा उस
प्रॉपर्टी का या उस प्रीमिसेस का रेंट। उसके बाद आता है सेक्शन 10, फिक्सेशन ऑफ इंटरिम रेंट। इफ एन एप्लीकेशन फॉर फिक्सिंग द स्टैंडर्ड रेंट और डिटरमाइनिंग द लॉफुल इंक्रीज सच रेंट इज मेड अंडर सेक्शन 9, जो भी हमने पढ़ा, द कंट्रोलर शैल एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल मेक एन ऑर्डर स्पेसिफाइंग द अमाउंट ऑफ द रेंट और लॉफुल इंक्रीज टू बी पेड बाय द टेनेंट टू द लैंडलॉर्ड pending final decision on the application and shall appoint the date from which the rent of or lawful increase or specified shall be deemed to have effect. तो बताएगा कि कितना जो वो रेंट बढ़ाया गया वो किस दिन से बढ़ाया गया, किस डेट से मान जाएगा और किस डेट से जो लैंडलॉर्ड है वो लाइबल होगा अपने टेनेंट से वो अमाउंट को लेने के लिए। तो इस वीडियो के अंदर हम इतना ही रखते हैं, हमने सेक्शन 10 तक समझा है, सोचा था कि सेक्शन 14 तक पूरा करेंगे लेकिन सेक्शन 10 तक ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो सेक्शन 10 तक कवर करते हैं। 2 से 3 वीडियोस के अंदर और कोशिश करेंगे कि ये एक्ट पूरा हो जाए, जो मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन है बेसिकली उन्हीं पे ज़्यादा फोकस देंगे, जैसे सेक्शन 14 को समझना जरूरी है, 13 को समझना जरूरी है, 19 पे फोकस देंगे, 25 को ढंग से समझेंगे, तो इन सेक्शंस को कोशिश करेंगे समझने की। इस वीडियो के अंदर हमने सेक्शन 10 तक समझ लिया है और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो आगे का जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे।